हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ग्रो योर स्किल्स चैनल पे। ये HTML कोर्स की थर्ड क्लास है, तो आए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंट तरह के टैग्स कैसे होते हैं, कि ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम अपने वेबसाइट पे कैसे इमेज को अपलोड कर सकते हैं, कैसे इमेज विजिबल करवा सकते हैं। इसमें हम दो तरह के टैग देखेंगे, एक तो इमेज टैग जैसा कि मैंने आपसे बात करी, और दूसरा टैग है टेबल टैग। जैसे हमारे पास अक्सर वेबसाइट्स पर डेटा शो हो रहा होता है टेबल की फॉर्म में, तो वो आज हम देखते हैं कि कैसे शो हो रहा होता है। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाता हूँ। इसमें हमने एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नाम है thirdclass.html, और इसमें हमने टाइटल दिया है थर्ड क्लास के नाम से। इसके बाद हम बॉडी के अंदर लिख देते हैं अपना इमेज टैग, क्योंकि हमें अपने ब्राउज़र पे इमेज शो करानी है। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ इमेज। मैं यहाँ पे सिंपली इमेज लिखूँगा, तो मुझे ये फर्स्ट पे दे रहा है डिस्क्रिप्शन में इमेज, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसमें इसने मुझे दे दिया इमेज SRC। इमेज का SRC का मतलब होता है सोर्स। इस सोर्स के अंदर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर हम वही लिखेंगे जो हमारी पिक्चर का URL होगा या डायमेंशंस होगी। डायमेंशंस क्या होती है, जिस नाम से हम अपनी पिक्चर्स को सेव करवाते हैं। अगर आप ऑनलाइन उठा रहे हैं तो आप उसका कॉपी इमेज एड्रेस लिखेंगे। अगर आप अपने सिस्टम से ही अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप अपने वो जो इमेज का नेम है वो लिखेंगे, और ऑल्ट के अंदर जो वैल्यू आती है वो हम लिखेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास एक पिक्चर है pic.jpg के नाम से, इसको हम अपने फोल्डर के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। ये हमारा HTML कोर्स के नाम का फोल्डर है। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करवा देते हैं जिसका नाम हम लिखवा देते हैं। फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं जिसका नाम लिखवा देते हैं पिक्स, और ये फील्ड पिक को हम इसके अंदर इंसर्ट करवा देंगे। ये हमने इंसर्ट करवा दी। अब जो हमारी इमेज है वो हमारे पिक्स के फोल्डर के अंदर है। याद रखिएगा, अगर आपकी पिक जिस फोल्डर में आप HTML या CSS का काम कर रहे होंगे, उसको उसी फोल्डर में आपको ये इमेज रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये कहीं और रखी तो ये आपका ब्राउज़र शो नहीं करेगा, क्योंकि आपके पिक्चर को आपके पिक्चर या वीडियो को आपके फोल्डर में होना ज़रूरी है। अब हमने पिक्स के नाम के फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक पिक्चर रखी है जिसका नाम है pic.jpg। हम यहाँ पर आके लिखते हैं, जो यहाँ पहले आपको यहाँ पर डायमेंशन लिखनी पड़ेगी डॉट और स्लैश। देखिए, ऐसा मुझे तीन चीज़ें बता दी कि आपके फोल्डर में ये चीज़ें हैं। तो मेरा जो फोल्डर है उसके अंदर जो पिक्स का फोल्डर है उसके अंदर जाए, और इसके अंदर जो मेरी पिक्चर है pic.png वो उसके अंदर चला जाए। मैंने उसको क्या दिया कि डॉट स्लैश, में से मुझे फोल्डर बताती है डॉट स्लैश, जो भी लिखेंगे उसके बाद जितने भी आपके फोल्डर में फाइलें होंगी वो शो करा देगा। देन इसके बाद अंदर आएँ, देन इसके बाद जो पिक्स का फोल्डर है उसके अंदर आके मेरे पास जो pic.jpg है उसको आप शो करवा दे। तो मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा ओपन विद लाइव सर्वर करके, तो ये मुझे एक बहुत बड़ी इमेज दिखा रहा है। तो इमेज तो हमारे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे डिज आ गई, बट इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। तो अब हमारे पास डिफरेंट तरह की क्यूरीज होगी कि हमें बड़ी इमेज चाहिए, छोटी इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली सी विथ दे दूँगा, इसकी विथ क्या दूँगा 100 pixels। जो इमेज होगी वो हम ज़्यादातर पिक्सल्स में ही रखते हैं। और मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा तो ये देखें, इसने बिल्कुल 100 pixel जो ऐसे डिसाइज होता है उसने मुझे रख के दे दी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई ऐसी क्यूरी है कि मुझे हाइट भी इंक्रीज़ करनी है, तो मैं हाइट इंक्रीज़ करके इसको भी 100 pixel करवा दूँगा। और मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा तो ये देखें कि इसकी पिक्चर की हाइट भी इंक्रीज़ हो गई है। और इसके बाद अक्सर ये हमारे पास होता है कि अगर कोई हम ऑनलाइन पिक्चर डालते हैं, तो हमारी पिक्चर कोई वेबसाइट पे कितनी दफ़ा होती है कि हमें पिक्चर पे जो वेबसाइट है उसकी पिक्चर शो नहीं होती, पर उसकी जगह कोई टैग लिखा हुआ शो हो रहा होता है। तो वो टैग जो शो हो रहा होता है वो ऑल्ट की मदद से लिखा हुआ होता है। तो ऑल्ट में आप जो वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि मैं नेचर लिख देता हूँ नेचर, अगर अब और मैं अपने जो डायमेंशन है उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें शो भी तो हो कि हमारी पिक्चर की जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो देखें कि हमारी पिक्चर का जो वेक्टर शेप बना हुआ है उसकी जगह इसके बाद आ रहा है नेचर। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हमारी फिल्मक ऐसा होता है कि ब्राउज़र पिक्चर अपलोड करने में टाइम लगा रहा होता, तो जैसे यूज़र वेबसाइट ओपन करता है तो टाइम लगने की सूरत में वो सिर्फ ऐसा शो करवा के आगे नेम लिखवा देता है, ताकि जो यूज़र उसको पता चल जाए कि किस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर है। जैसे नेचर से रिलेटेड है तो मैंने नेचर लिख दिया है। देन इसके बाद
जो हम इसके बाद हमारे पास एक टाइटल भी आता है जो हम इसमें टाइटल को ऐड करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिखवा देता हूँ, उसमें टाइटल में मैं देखता हूँ नेचर इमेज। अब आप देखेंगे कि मैं जैसे ही पिक्चर पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसकी जो हमने मिस्टेक की चेंज की थी की तरफ आएंगे, तो ये देखें कि मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ सिलेक्ट नहीं किया, अभी इसके ऊपर सिर्फ कर्सर रखा है, तो उसने मुझे एक टाइटल दे दिया नेचर इमेज के नाम से। अक्सर ये होता है कि हम वेबसाइट पे किसी प्रोडक्ट पे ऊपर सिर्फ कर्सर रखते हैं तो वो हमें प्राइस टैग बता रहा होता है, तो वो सिर्फ हमारे टाइटल की मदद से बता रहा होता है। जो हमने टाइटल का जो कोई भी वेबसाइट बना रहा होता है उसमें टाइटल का टैग यूज़ कर देता है। तो ये सिंपल सा इमेज का टैग था। अब जो दूसरा टैग हम पढ़ने वाले हैं वो है टेबल का। तो टेबल के टैग में ये होता है बेसिकली कि हमारे पास अक्सर वेबसाइट पे टेबल फॉर्म में डेटा होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टेबल चाहिए तो टेबल का टैग ओपन करवा दूंगा। देन इसके बाद अब हमारे पास होता है कि अक्सर हम देखते हैं हमारे पास रजिस्टर में, जैसे मैंने आपसे पहली वीडियो में भी बात की थी कि हेड होता है और बॉडी होता है, तो इसमें भी टेबल में क्या होता है हमारे पास एक हेडिंग होती है जैसे नेम की, फादर नेम की, क्लास की, रोल नंबर की, तो इसमें पहले हमें देनी पड़ेगी एक हेडिंग। तो वो मैं सिर्फ टी एच लिखूँगा तो टी हेड इसने मुझे शो करवा दिया। तो टी हेड क्यों लिखवाया, क्योंकि मुझे वो करना है हेड के अंदर लिखना है। देन इसके बाद अब हेड के अंदर हमें क्या चाहिए, रॉ चाहिए, तो मैं इसको सिर्फ टी आर लिखूँगा तो ये मुझे टी आर का मतलब होता है रॉ, तो ये रॉ में डेटा शो करवाएगा हमें। इसके बाद हमें रॉ के अंदर क्या चाहिए, तो हमें चाहिए हेडिंग, तो मैं हेडिंग दे दूंगा। तो पहला मैं नेम दे देता हूँ एन ए एम ई, देन हमारे पास जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी फादर नेम की, तो मैं एफ नेम दे देता हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र की तरफ आऊँगा तो ये देखें मुझे इसने दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी। पहला कि हमने टेबल बनाया हुआ है पर इसमें हमें कोई बॉर्डर शो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है कि टेबल का बॉर्डर क्या होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट अपनी वैल्यू ज़ीरो समझ रहा है, तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ वन। अब हम देखेंगे अपने ब्राउज़र पे कि इसने हमें टेबल जनरेट करके दिया, अब ये देखिए कि इसने टेबल की अच्छी खासी बॉर्डर दी हुई है, वन दिया हुआ है। अब इसके बाद हमने जो हेडिंग दी है उसके बाद हम एक और हेडिंग इंक्रीज़ कर देते हैं क्लास के नाम से। अब देखिए इसने ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, हालांकि मैंने कोई इसको शो नहीं करवाया कि आप मेरा बोल्ड हो, बट इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक चीज़ सेव हुई हुई है कि अगर आपको हेडिंग कहा जाए तो आप इसको बोल्ड करके दे दीजिएगा। अब ये हमारा हो गया हेड। अब देन इसके बाद जो हमारी बॉडी होगी तो उसको हम लिखेंगे टी बॉडी के नाम से, जो हमें इसके अंदर डेटा इंसर्ट करवाना है टेबल के अंदर, तो इसमें भी हम टी आर रॉ लगाना ज़रूरी है, तो रॉ के बगैर काम नहीं होगा क्योंकि हमें रॉ वाइज डेटा शो करवाना है। देन इसके बाद हमने फर्स्ट में लिखा था टी हेड, मतलब क्या था टेबल हेडिंग, इसके अंदर हम देंगे टेबल डेटा, क्यों, क्योंकि हमें हेडिंग के बाद जो है ना उसी कॉलम में डेटा शो कराना है। तो जैसा कि हमारी फर्स्ट हेडिंग है नेम, तो उसमें मैं लिखवा देता हूँ अली, और जो हमारा दूसरा एफ नेम है उसके अंदर मैं डेटा शो करा देता हूँ आज़म। देन इसके बाद जो तीसरा हमारे पास रो है उसके अंदर मैं डेटा शो करवा देता हूँ फोर्थ। अब हम अपने ब्राउज़र पर देखेंगे तो इसने एक बेहतरीन सा देखे टेबल बना के दिया हुआ है कि नेम की जगह अली आ रहा है, नेम की जगह आज़म आ रहा है और क्लास की जगह फोर आ रहा है। तो इसने क्यों दिया, क्योंकि हमने अभी पहले हेडिंग दी थी कि उसमें जो हमें हेडिंग चाहिए नेम क्लास वगैरह, देन इसके बाद हमने टेबल बॉडी के अंदर लिखा था रॉ के अंदर हमने टेबल का डेटा शो करवा दिया था। अब हम चाहते हैं कि दूसरी रॉ हो तो उसके अंदर हम इसी रॉ में काम नहीं करेंगे बट हमें दूसरी रॉ बनानी पड़ेगी जो हमारा डेटा शो कराएगी। देन इसके बाद मैं इसमें डेटा एक और शो करवा देता हूँ मुइज, तो ये देखिएगा कि हमें दूसरे रॉ के अंदर से मुइज शो करवा दिया। देन इसके बाद हम इसका अगर फादर नेम चाहते हैं तो हम इसका फादर नेम भी दे देते हैं कासिम, ये देखिएगा कि इसने मुझे दूसरा भी एफ नेम बता दिया कासिम। देन इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसकी क्लास तो हम क्लास भी दे देते हैं टेंथ, तो इसने देखें कि हमें इसकी क्लास भी दे दी। तो ये सिंपल सा टेबल का टॉपिक था। मैं वापस इसको आपको एक्सप्लेन कर चलूँ कि हमने पहले इसमें टेबल का हेड दिया, हेड क्यों दिया, क्योंकि हम टेबल अक्सर देखते हैं कि उसमें पहले हमारे ऊपर हेडिंग दी हुई होती है जो बोल्ड की हुई होती है।
देन इसके बाद हमने हेडिंग दी, इसके बाद हमने टेबल बॉडी बनाया, इसके अंदर हमने TR का मतलब होता है टेबल ड्रॉ, और इसके बाद हमने टेबल TD दे दिया जिसका मतलब होता है टेबल डेटा। तो जो हमारा था इसके अंदर जो हेडिंग थी ये बोल्ड होके आई हुई, और जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ देखें कि नॉर्मल उसके अंदर आ गया, नहीं बोल्ड हुआ, बल्कि ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया। जैसे हमारे पास अक्सर वेबसाइट पे प्रोडक्ट होते हैं उसके डिटेल्स लिखी हुई होते हैं, तो ये सिर्फ टेबल के टैग से ही डिफाइन की हुई होती है। तो ये हमने टॉपिक देखा जो हमारा था टेबल के नाम से और इमेज के नाम से। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट टॉपिक नहीं था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे हम वेबसाइट बनाएंगे तो ये हमें बहुत काम आएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।